फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो पॉलिश है, और उस पॉलिश को पीने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था, लेकिन किसी मूर्ख के हाथ लग गई, उसने पिया, उसको नशा चढ़ गया, तो वो शराब पीने लगे। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के नाभि चक्र को भेजती है कि मुश्किल है शराब पीना, मुझे कहना नहीं पड़ता, अपने आप। अच्छा, अब साइंटिफिकली बताऊं शराब में क्या होता, धार्मिक छोड़िए, बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिकली जिस वक्त आप शराब पीते हैं, और शराब जब अपने शरीर में जाता है तो ये फर्मेंटेड जो चीज होती है, ये शरीर में जाने से हमारे शरीर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH आयन्स जो हमारे पानी में होते हैं, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उनका डायग्राम बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी शराब पहुंचती है, जैसे लीवर खासकर खराब हो जाता है, लीवर में जब शराब पहुंचती है तो वहां क्या माहौल बदल जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है, कि वहां की जो OH की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आयन होता है पानी के अंदर, वो इस तरह से बदल जाता है कि जितनी भी गर्मी होती है लीवर की, उसे वो नहीं ले पाता, और लीवर में गर्मी बढ़ती जाती है और वो पानी में नहीं बहती। शराबी आदमी के कभी टेम्परेचर नहीं आता, उसके लीवर में गर्मी हो जाती है। हम लोग अगर हाथ रखे तो मार जलता है हाथ, उसके लीवर में हाथ रखने से, पर उसको नहीं पता चलता, क्योंकि उसके शरीर में गर्मी नहीं आती, गर्मी वहीं एकत्रित उस ऑर्गन में होने लग जाती। कैंसर पेशेंट के भी ऐसा ही होता, कैंसर में भी यही OH आयन जो है वो इस तरह से अपने को बदल लेता है कि वो अपनी गर्मी को अपने अंदर से वहन नहीं करता, इसलिए वो खून में गर्मी नहीं आती, इसलिए आपके टेम्परेचर नहीं आता। कैंसर पेशेंट को कभी भी बुखार नहीं आता, अगर आ जाए सब्जी वर्दी से, पर कैंसर से नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक चीज है, और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें की गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है, इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजा सा आते रहता है, तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, और इसी कारण ये चीज बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है, तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो औंधे पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी का मर्ग खत्म कर, पर तो भी थोड़ा कितने तो साले का माता जी। पर सहजयोग का इलाज और है, जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम है, कर पियोगे तो उल्टी होगी, उसी वक्त चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। अगर ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे, उसके बाद यहां आकर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहजयोग कर रहा हूं, मेरे वाइब्रेशन छूट गया। जब तुमको कोई चीज को मना किया है तो उसको और भी जबरदस्ती करना चाहिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर कहा जाए बेटा नहीं पियो, अरे उससे ये हो जाता है, तो उसको डबल करना ही चाहिए। उसका उदाहरण है मुसलमान लोग, जितनी शराब मुसलमान पीते हैं, जबकि मोहम्मद साहब एकदम मना करके गए थे लंदन में, उनके मुकाबले में सिर्फ अपने सिख भाई बैठ सकते हैं जिनको नानक साहब एकदम मना करते हैं। ये लोग जितनी शराब पीते हैं उनके आगे तो अंग्रेज भी साष्टांग है।